मैं सोच रहा था कि क्या कहा जाए। दो बातें ध्यान में आती हैं। बिहार में जब मेरा कार्डर अलॉटमेंट हुआ था तो मेरा पहला बिहार का अनुभव थाना बीहपुर, जो आजकल नौगछिया जिला है, वहाँ से शुरू हुआ था। बिहार में मैं एक आदमी को नहीं जानता था और बिहार में कभी आया भी नहीं, और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो मैंने ये पाया कि बिहार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण मेरा जुड़ाव बिहार के साथ बढ़ता गया। एक तो जो यहाँ का आम जन है, नागरिक है, वासी है, उसको अच्छाई और अच्छे व्यक्ति की परख है और वो उसको देखता है, समझता है और उसको सपोर्ट करता है। और यही हमारी फोर्स की भी खूबी है। जब मैं थाना पीरपुर गया था तो मेरे साथ, मैं भी प्रोबेशनर था और मेरे साथ तीन प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर थे, एक मुंशी था थाना में और एक चौकीदार था। हम सब अभी कच्चे पुलिस पदाधिकारी थे और वहाँ से ये शुरू हुआ। चलते चलते बहुत कुछ सीखा, समझा, लेकिन ये बिहार को और बिहार पुलिस को श्रेय जाता है कि मेरी सारी पुलिसिंग की सोच समझ की बुनियाद बिहार ही है। और मैंने सारी वो बुनियादी सोच समझ विभिन्न जगहों पे बाद में सर्व किया, लेकिन ग्रहण यहीं से की। और उसी सोच के साथ बाद में ये यात्रा में मुझे CBI जाने का अवसर मिला। लेकिन जो सोच और समझ और जो ज़मीनी परख, वो मुझे बिहार और बिहार पुलिस ने ही दी। और मेरा हमेशा बिहार पुलिस से और बिहार से स्नेह बना रहेगा। और मैं जब भी केंद्र में भी गया, हमेशा बिहार और बिहार पुलिस को के पक्ष में खड़ा हुआ, जहाँ भी मुझे अवसर मिला कुछ कहने का। और ये यहाँ के लोगों की, बिहार पुलिस फोर्स की, जो उसने मुझे दिया, ये उसके कारण। तो मुझे यहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस के रूप में करीब 2.25 साल का अवसर मिला। और इस सारे अवसर में मेरे केंद्र बिंदु भी काम के दो ही थे, आम नागरिक और बिहार पुलिस के जवान। पुलिस बोलता हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए बिहार पुलिस का जवान, लास्ट में वरीय पदाधिकारी। और मैंने उन्हीं को केंद्र बिंदु बना के जो भी काम करने का प्रयास किया, कुछ बातों का उल्लेख इन्होंने किया, वो सब आप देखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन ये मेरी बुनियादी समझ यही है कि न्याय का पहला द्वार और सबसे महत्वपूर्ण द्वार थाना है और पुलिस है। अगर वो ठीक से सक्षम रूप से काम करे तो सारी न्याय की व्यवस्था अच्छे चलेगी। हमने जो भी काम करने का प्रयास किया, अगर उसको आप समझेंगे पूरी अच्छे से, तो उसमें आपको दिखेगा कि थाना में काम कैसे ठीक हो, इस पर ध्यान दिया। आम नागरिक को कैसे सुविधा मिले, इस पर ध्यान दिया। जो इन्होंने 112 की बात कही कि आज 5,000 लोग वो सेवा ले रहे हैं, आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है लोगों के लिए। कोई आपातकालीन स्थिति हो, फ़ोन करें और 20 मिनट से कम में पुलिस पहुंच जाए। ये आज से 2 साल पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन ये यही बिहार पुलिस है जिसने कर दिखाया। तो मेरा जो विश्वास है वो बिहार पुलिस से हमेशा बढ़ता ही गया है और मेरा इसी के कारण काम में मन लगता था। इसलिए बिहार पुलिस में और पदाधिकारियों में इस बात की क्षमता है कि कोई भी अच्छा काम शुरू कीजिए, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, उसको समझाइए, वो बात को पकड़ता है और आगे बढ़ाता है। आम नागरिकों के प्रति भी हम प्रचार कम में विश्वास रखते हैं, बहुत प्रचार नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है लोग देखते होंगे या अनुभव करते होंगे कि थाना में आम आदमी जाए तो उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे हम समाधान करें। हमने कहा कि भाई
फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्राइम होना चाहिए। डेढ़ साल पहले से हम इस पर काम कर रहे हैं कि थाना में कोई जाए, उसकी शिकायत ली जाए, उसको रिसीव की जाए, जहाँ प्राथमिकी बनती हो प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसको तंग नहीं किया। थानों में जो स्टेशन डायरी हमने डिजिटाइज कर दी, यानी कि कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, जो आएगा शिकायत वो दर्ज होगी। और ये मुझे इस बात का काफ़ी संतोष है कि थानों में जो शिकायतें हमारे पास आती थी उसमें करीब 2022 की तुलना में करीब 40% कम शिकायतें आ रही हैं, और ये शिकायतें करीब बंद हो गई हैं। बहुत कम शिकायतें हैं कि थाना में शिकायत नहीं दी जा रही। हाँ, अब जो शिकायतें हैं वो कुछ और पार की हैं कि अनुसंधान जल्दी होना चाहिए और फास्ट हो, ये आरोप सही है गलत है वो अपनी जगह है, लेकिन ये शिकायतें करीब करीब समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई कि थाना में शिकायत नहीं ली जा रही। क्योंकि ये मेरा मानना है कि नागरिक का अधिकार है और हमारी कानूनन जवाबदेही है कि हम नागरिक की कंप्लेंट को रिसीव करें और उसके बाद जो कार्रवाई करें, और हम पारदर्शी तरीके से लोगों को बताते भी हैं। आप हमारा जो सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं वो भी नागरिकों के अधिकार के लिए ही है। अगर 12 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं डेढ़ साल में तो कोई कारण होगा तो जुड़े हैं। हमने कहा जो बड़ी घटना होती है उसका प्रेस रिलीज भी डाल दीजिए, सच बताइए, झूठ मत बोलिए। क्योंकि जब तक आप सही बात नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास नहीं बढ़ेगा।